तो गाइज वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट। आज हम जो है रीइन्फोर्समेंट की यहाँ पर क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब तक हम जो है रिंग्स की कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। रिंग्स को कैसे रीड आउट किया जाता है, रिंग्स के जो हमारी स्टील की ड्राइंग्स होती है उनको कैसे रीड आउट करते हैं, और कैसे जो है हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप की जो है रिंग्स को कैलकुलेट करना सीखा है, चाहे वो ट्रैंगुलर रिंग हो, चाहे वो आपका मास्टर रिंग हो, इनर रिंग्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स की हमने स्टील को कैलकुलेट करना यहाँ पर सीखा है। ठीक है गाइज, तो कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या होता है, क्या होता है भाई कॉलम? हाँ जी बोलो यार, कॉलम होता क्या है, व्हाट इज कॉलम? अक्षर के वेट को किया बोलो जाता बोलो। है सर। अक्षर के वेट हाँ स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर एलिमेंट है, कौन सा स्ट्रक्चर एलिमेंट है? स्लैब है सर। नहीं कॉलम क्या, कॉलम आप बोल रहे हो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक है, क्या है वो, करता क्या है कॉलम, उसका ट्रांसफर द पर्पस? लोड फ्रॉम ट्रांसफर लोड करना हाँ किसका, कहाँ से कहाँ तक? स्लैब से बीम से स्लैब का बीम में बीम से कॉलम से और कॉलम से फुटिंग और फुटिंग से अर्थवर्क। हाँ दिस टाइप ऑफ रिंग, यस्टरडे वी हैव डन ट्रायंगुलर रिंग, दैट इज ट्रायंगल रिंग, राइट, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो व्हाट इज दिस, हाउ मच इज दिस, 320, राइट, सो हाउ मच इज दिस वन, हाउ मच इज दिस, 106.67 10? ओके इज दैट क्लियर? सर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से इसको करना होता है। ये डिफरेंट थी थोड़ी सी जो हमने अब तक करी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी। दिस वन इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला विच वी हैव यूज इन ट्रायंगुलर वन, राइट, ओके ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो भाई इसी टाइप से जितनी भी रिंग्स आएंगे ना उनको यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक। अब ये हमारा कॉलम है, यहां पर अगर हम देखें, सर जब काइट काइट जे यहां से नहीं समझा, यहां से यहां क्लियर करेंगे आपको। तो जो हमारा सपोज करें, ये हमारा एक फ्लोर है, ये हमारा एक फ्लोर है, कहां से कहां तक, ये एक फ्लोर है, ये फ्लोर का टॉप लेवल है, ठीक है, ये फ्लोर का टॉप लेवल है, और ये नीचे वाले फ्लोर का टॉप लेवल है, क्या है, नीचे वाले फ्लोर का टॉप लेवल है, ठीक है भाई। और इसमें ऊपर लैब देते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है, हर फ्लोर पर लैब देना भी जरूरी नहीं है, समझिए। लैपिंग जी जोन का मतलब यू होता है, लैपिंग जोन का मतलब ये नहीं है कि हर फ्लोर पे आप काट के जो है सरिये को लैप दिए जा रहे हो, यू आर पुटिंग लैप लैप लैप, ऐसा नहीं। अगर आपका 15 मीटर का जा रहा है छत, तो पहला जो फ्लोर होगा, पहला जो सरिया होगा जो बॉटम से, तो उसको आप 5 मीटर का करके फिर 12 मीटर का आप एक बार में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और से भी और नीचे में भी हाँ सर यहाँ पे सर लोड ज्यादा रहेगा सर यहाँ पे ब्रोकन यही टॉप से पे ज्यादातर लैपिंग होता है बॉटम। सर। देखो कभी भी ब्रोकन मत कहना, बकलिंग कहना, बकलिंग फेलियर कहना, ब्रोकन नहीं होता है, ठीक है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है दैट इज फेलियर ऑफ कॉलम या बकलिंग। और 100 सेंटर टू सेंटर है, तो यहां हो सकता है यहां पर क्या हो, 8 का डाया हो और 200 सेंटर टू सेंटर हो, क्या हो, 200 सेंटर टू सेंटर हो, मतलब यहां पर जो है स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, स्पेसिंग ज्यादा होती है बिटवीन टू रिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब देखो क्या है, ये सेंटर हमारा कॉलम का सेंटर है। अब जो दो सरिया आ रहे हैं, क्योंकि इनके जॉइंट्स अलग अलग हैं, और दो जॉइंट के बीच में, दो जो जॉइंट्स हैं इनके बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पर कहा गया है, यहां पर वट एक तो 50% को एक जगह पे, तो मैं चार कॉलम बार थी वर्टिकल बार, तो दो एक हाइट पे होंगी कट और दो एक हाइट पे कट होंगी। अगर आपको लैप देने की कंडीशन आ भी रही है, तो 2 1 एट हाइट, 2 एट 1 हाइट, ठीक है। उसके बाद जो है, हम कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस देंगे,
अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस देंगे कितना, 0.15 LD नीचे, इतना छोड़ के, समझ गए? 0.15 LD ऊपर छोड़ के और 0.15 LD नीचे छोड़ के, इतने डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, दो लैब के बीच में डिस्टेंस देंगे, ठीक है? क्लियर है भाई, आया समझ में इतना? इट्स क्लियर, ठीक है? ये मीटिंग ओवर हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है? आई विल शेयर द अनदर लिंक।